सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है हमारी 8 इंच की कार बेस ट्यूब, तो इससे आप कार पे या घर पे दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बस वो घर पे यूज़ करने के लिए इसके ये पावर की सप्लाई देनी पड़ेगी आपको। ये है 8 इंच कार की बेस ट्यूब। ये है इसका एम्पलीफायर, तो इसका एम्पलीफायर के हम कनेक्शन देखेंगे और इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा सोनी का म्यूजिक प्लेयर, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि वायरिंग किस तरीके से होती है, इन दोनों की आपस में वायरिंग किस तरीके से की जाती है, तो ये मैं बताऊंगा आपको। तो ये हमारी कार म्यूजिक प्लेयर की वायरिंग हार्नेस। तो देखिए, इसमें मैंने जो इसकी पावर की वायरिंग होती है वो कर ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको अगर इसे घर पर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इसमें जो हमारी येलो वाली वायर होती है और रेड वाली वायर होती है उसको आपस में जॉइंट करना पड़ेगा। और ये दोनों हमारी वायर जो है, हमारी ये जो दोनों वायर है हमारी येलो और रेड, ये पॉजिटिव वायर होती है, दोनों पॉजिटिव होती है। बट कार में कुछ अलग सिस्टम होता है ऑन ऑफ करने का, इसको पावर को हमारे की से कनेक्ट करने के लिए, इसलिए इस वजह से इस तरीके से बनाया जाता है इसे। बट अगर आप इसे घर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको घर पे यूज़ करने के लिए आपको इन दोनों वायरों को आपस में अटैच कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये दोनों वायर आपकी येलो और रेड पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसमें मैंने पॉजिटिव दी है और नेगेटिव आपकी माइनस, तो इसमें मैंने पावर दे दी है। तो जैसे कि इसमें आपको अटैच करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें पावर आ चुकी और हमारी फेस ट्यूब में वायरिंग करने के लिए ये हमारी वायर, इसमें जो ग्राउंड होती है आपने इसमें सीधे से डायरेक्टली माइनस की वायर कनेक्ट कर देनी। और 12 वोल्ट, जिसमें पॉजिटिव 12 वोल्ट लिखा है, इसे 12 वोल्ट से पावर दे देनी है। बट हमारी बेस ट्यूब अभी ऑन नहीं होगी क्योंकि हमने हमारी जो रिमोट वायर है वो लगनी बाकी है। और वो रिमोट वायर कहाँ होती है? वो रिमोट वायर होती है हमारे कार के म्यूजिक प्लेयर में। वो रिमोट वायर है हमारी कार के म्यूजिक प्लेयर में होती है, जो कार के म्यूजिक प्लेयर से के थ्रू यहाँ आती है। अगर आप इसे घर में यूज़ कर रहे हैं तब भी आप इसके म्यूजिक प्लेयर से यहाँ ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट आप इसे आप इन दोनों वायरों को आपस में डायरेक्ट कर सकते हैं या इसके बीच में कोई स्विच लगा सकते हैं। और अगर आपको इसे कार में फिट कर रहे हैं तो कार में फिट करने के लिए आपकी जो वायर है वो वायर आपकी कार के म्यूजिक प्लेयर में से आएगी। जैसे यहाँ देखिए आप, इस तरफ लिखा है, यहाँ पर कोई लिखा है REM, तो ये होता है रिमोट, तो मतलब होता है रिमोट वायर। तो ये रिमोट वायर हमारी कार के म्यूजिक प्लेयर के में भी होगी। मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये देखिए रिमोट वायर, रिमोट वायर, और ये रिमोट वायर डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो जाती है। तो रिमोट वायर को यहाँ कनेक्ट कर देना हमें सीधे। अभी तो ये मैं मेरे तो म्यूजिक प्लेयर और बेस ट्यूब काफी पास पास रखी है, इस वजह से ये कनेक्ट हो चुकी है। बट इसे काफी लंबी आती है और ये वायर थोड़ी सी, जिस गेज की ये वायर है इसी गेज की या इससे थोड़ी ज्यादा गेज की वायर हमको यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ ये नॉर्मली सिर्फ आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अगर आप इसकी प्रॉपर फिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छी वायर यूज़ करनी है। तो देखिए, जैसा कि अभी मेरा म्यूजिक प्लेयर, अब इसे ऑन करेंगे। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो देखिए बेस ट्यूब पर हमारे पावर आ चुकी है।
ये म्यूजिक प्लेयर से कनेक्टेड है। और इसके बीच में हम बाकी इसकी जो हमारी इनपुट की वायर है, ऑडियो की जो हमारी वायर है, हमारी आरएसी केबल, उसे फिट करेंगे तो हमारा म्यूजिक प्लेयर और जो हमारी जो है साउंड आने लग जाएगी। बट अभी सिर्फ मैं आपको वायरिंग के कनेक्शन बता रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा तो देखिए म्यूजिक बेस ट्यूब भी ऑफ हो गई। तो ये एक सिंपल, बहुत सिंपल कनेक्शन होता है, कोई ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसकी मैंने पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, तो उस वीडियो में ये प्रॉब्लम थी कि उसमें माइक की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसमें जो आवाज़ है वो साफ नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इस वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी बेस ट्यूब की और म्यूजिक प्लेयर की आपस में वायरिंग होती है। तो ये रिमोट वायर सबसे मेन होती है हमारे म्यूजिक प्लेयर के लिए। तो अगर हम कार में यूज़ कर रहे हैं तो हमारी एक ही बैटरी होती है और पूरा नेगेटिव कनेक्शन एक ही होता है। तो इस तरीके से होती है हमारी वायरिंग, देखिए म्यूजिक प्लेयर के साथ ऑन होने के साथ बेस ट्यूब भी ऑन हो जाती है। तो अभी इसके स्पीकर के कनेक्शन नहीं हुए हैं और इसके आरएसी के कनेक्शन नहीं हुए हैं, जिस वजह से कोई साउंड नहीं आ रही है। जैसे इसके स्पीकर के और आरएसी के कनेक्शन हो जाएंगे तो इसमें साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस वाली बेस ट्यूब में एक फ़ायदा यह है कि अगर आप इसमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली आरएसी केबल यूज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर को आप देखिए MP3 एक ऑक्स केबल का ऑक्स इनपुट दिया गया है। अब अगर आप म्यूजिक प्लेयर या कुछ यूज़ नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप बेस ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर को 3.5 mm जैक लगा के अपने मोबाइल से या कोई भी ब्लूटूथ लगा के, वो अब मैं आपको अगली वीडियो में चेक करके बताऊँगा। तो यह है छोटी सी डिटेल किस तरीके से बेस ट्यूब की और कार म्यूजिक प्लेयर की आपस में वायरिंग की जाती है। और आपको अगर इस बारे में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यह है कंप्लीट डिटेल। यह हमारी जो REM रिमोट वायर, तो ये होती है रिमोट वायर, और रिमोट वायर हमारे कार म्यूजिक प्लेयर से होते हुए जाती है जो हमारे बेस ट्यूब में टच होती है, जिसकी वजह से हमारा बेस ट्यूब और आप जो म्यूजिक प्लेयर है आपस में कनेक्टेड रहता है। तो जब हम अपनी गाड़ी का जो अगर हम गाड़ी की बात करें तो जैसे ही हम अपनी गाड़ी की ऑफ करते हैं तो की से जुड़े हुए हमारे जो मेन हेड यूनिट की कनेक्शन होता है वो आगे आपने देखा होगा गाड़ी में दिया हुआ होता है, कंपनी फिटेड होता है, वो कनेक्शन इसमें दिया हुआ होता है। तो जैसे ही हम अपनी गाड़ी की ऑफ करते हैं तो वो जो हमारे पीछे ये वायर हार्नेस लगी होती है इससे जुड़ा होता है और इसको कट कर देता है हमारी जो कंप्लीट फिटिंग होती है। और जैसे ही ये कट होता है हमारे की से, जैसे ही हम गाड़ी ऑफ करते हैं तो ये हमारी बेस ट्यूब भी ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी ध्यान से हमें वायरिंग करनी चाहिए अपनी गाड़ी में, क्योंकि अगर हम गाड़ी में इस तरीके से अगर सही से देखभाल के अगर हम अपनी गाड़ी की वायरिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी में आग लगने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से जो ये जो कंपोनेंट है इजीली आग पकड़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो ईजिली ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर गर्म होता है और गाड़ी में आग लगती है। तो गाड़ी में 80% आग लगने के चांसेस यही होते हैं कि उसमें वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो कभी भी अपनी गाड़ी के साथ वायरिंग के साथ छेड़छाड़ मत करिए, और हमेशा जो आप इसकी फिटिंग करवाते हैं तो किसी प्रोफेशनल से कराइए, और आप अगर इसके बारे में खुद अच्छे से जानते हैं तभी अपने आप इससे फिटिंग करिए, और वरना यूट्यूब की वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के या इस तरीके से वायरिंग कभी मत करिए। अगर आपको डिटेल अच्छे तरीके से पता है तभी इसकी वायरिंग करिए, वरना मत करिए। इसकी वजह से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से हमारी गाड़ियों में जो आप देखते हैं कि आग लग गई तो आग लगनी स्टार्ट होती है, वो इसी वजह से होती है। और इसमें इसके अलावा इसमें फ्यूज़ यहाँ भी फ्यूज़ होता है, इसमें भी फ्यूज़ होता है, बट हम अगर हमारी गाड़ी में अगर हम बैटरी से पावर दे रहे हैं तो उसमें भी फ्यूज़ यूज़ करिए, और हो सके तो एक या दो फ्यूज़ यूज़ करिए, जिससे आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आपके कंपोनेंट भी सेफ रहेंगे। और अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।